सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारी आज की कहानी एक ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है जिसे सुन के शायद आपको यकीन नहीं होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? आइए देखते हैं लापता। मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। कसाला काय झाला? FIR लिखाना है। एक मिनट साहब, एक आदमी और एक बच्चा आए हैं FIR लिखाने वास्ते। पठू का? ओके, आप जा सकते हैं। साहब अंदर केबिन में है, वही आपसे बात करेंगे। ठीक है केतन, तुम बेटे जरा देर यहीं रुकना, मैं अभी आया। हवालदार साहब जरा देख लीजिएगा प्लीज। सालेल काय नाम रे तुझे वाला? केतन। आइए प्लीज, आपको FIR लिखानी है? मेरा नाम प्रवीण लोखंड है, मैं आपकी मदद करूंगा। बैठिए और मुझे पूरी बात शुरुआत से बताइए, क्या हुआ है? हाँ सर, मेरा नाम चंदन पाटिल है, मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। साहब कुछ 10 साल पहले की बात है, मेरा बेटा खो गया था। 10 साल पुरानी बात है? जी, पर मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। एक सुबह जब मैं नींद से उठा तो मैं अपने कमरे के बाहर आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी बीवी तो अभी भी सो रही थी। मैं घबरा गया और फौरन अपने बेटे के कमरे में चेक करने गया, वो वहां नहीं था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई साहब, मेरा 5 साल का बेटा अपने कमरे से गायब था। ओ, आपने रिपोर्ट लिखाई थी, क्या हुआ था? हाँ, पुलिस तो कई महीनों तक उसे सब जगह ढूंढती रही, अलर्ट भी जारी किया था। मैं और मेरी बीवी हर चौराहे पर उसके अनेकों पोस्टर लगाते रहे, इधर उधर सबसे पूछते फिरे, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था साहब, कुछ खबर नहीं थी किसी को। हम लोगों की जो हालत थी वो हम ही जानते थे। अच्छा, हम लोग मतलब कौन कौन? मैं और मेरी बीवी कीर्ति। अच्छा। कीर्ति तो जैसे टूट सी गई थी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, उसको नींद भी नहीं आती थी। सब इस हद तक पहुंच गया था कि मुझे लगा था कि वो तो मर ही जाएगी, पर शायद मेरे लिए ही उसने खुद को संभाला। वो अंदर से बहुत परेशान थी, मैं खुद भी बहुत बुरी हालत में था, पर मैंने अपनी बीवी के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। मैं छिप छिप के रोता था साहब, पर उसके आते ही आंखें पहुंच कर उसको हिम्मत देता था। हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे कीर्ति, तुम हौसला रखो, मेरा दिल कहता है कि वो अब भी सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है उसे, मिल जाएगा। कितना वक्त गुजर चुका है चंदन, मेरा हौसला टूट रहा है, कहाँ होगा हमारा चंदन अब? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हमारी दिमागी हालत ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या ज्यादा बुरा है, उसका जिंदा होना और हमारा पागलों जैसा उसे ढूंढते रहना या उसका मरा होना। हम लोग यूं तो कभी मुंह से तो नहीं बोलते थे, कभी कीर्ति ने कुछ ऐसा जिक्र भी किया तो मैं उसे चुप कर देता था, पर हमारे दुख ने हमको एक दूसरे के करीब ला दिया था। अक्सर ऐसे हालातों में जोड़े टूट जाते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे, हम लोग एक दूसरे का सहारा बन गए थे। मैं टूट जाता तो मेरी बीवी मुझे संभालती, उठाती
हौसला देती। वक्त सबसे बड़ा मलहम होता है। अब हम दोनों फिर से जीना चाहते थे, एक दूसरे के लिए ही सही, सब भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ओ, आगे? फिर कुछ साल बाद जब कीर्ति को पता चला कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है तो वो घबरा गई थी। उसको पुरानी बातें याद आ रही थी, चेतन की याद आ रही थी। किसी तरह से मैंने उसको समझाया, कीर्ति तुम प्लीज हौसला रखो, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखेंगे। फिर उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया, इसका नाम हमने केतन रखा। वो क्योंकि वो बिल्कुल अपने भाई के जैसा ही था, यहां तक कि दोनों के गर्दन पे एक जैसे ही बर्थमार्क्स थे। अच्छा, और जैसे जैसे केतन बड़ा होने लगा चीजें और भी अजीब होती गईं। वो अपने भाई के जैसा ही दिखता था हूबहू, यहां तक कि उसके रहन सहन का तरीका भी वैसा ही था। मैंने जब उसको उसके भाई के खिलौने दिए तो वो उनको उसी नाम से बुलाता था जिस नाम से चेतन बुलाता था। खाने में भी उसको वही पसंद था जो चेतन को पसंद था। हम दोनों के लिए ये बहुत अजीब था, पर हम लोग भी खुश थे और मान लिया था कि शायद भगवान ने हमारा बेटा हमको वापस दे दिया है। वाह, कीर्ति भी केतन का बहुत ख्याल रखती थी, शायद उसको डर लगता था कि कहीं उसे फिर से ना खो दे, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती। तो मुझे कभी ज्यादा नहीं देखना पड़ा। एक बार तो केतन ने मुझे बोला कि पापा मुझे पार्क लेके चलो ना, मैं तैयार था, पर कीर्ति ने तुरंत आके कहा कि वो ले जाएगी और मैं आराम कर लूं। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा पर मेरे लिए ही अच्छा था, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। इंटरेस्टिंग, फिर? फिर आज सुबह एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। कीर्ति सो रही थी तो मैं और केतन पार्क में खेलने निकल गए। हमारे घर के पास एक प्ले एरिया है जहां बड़े बड़े स्लाइड्स हैं और झाड़ियां हैं। वो जिस तरह से उन स्लाइड्स पे खेल रहा था उसे देख के मुझे उसके बड़े भाई की याद आ गई। चेतन भी मेरे साथ वैसे ही खेला करता था। ऐसा लग रहा था मानो समय किसी टाइम मशीन से पीछे चला गया हो। मैं अपने बड़े बेटे को मिस कर रहा था, जाने वो कहां होगा। हाँ हाँ कीर्ति, कहो। उठ गई? अच्छा, अरे मैं और केतन गार्डन में खेलने के लिए निकल आए सुबह सुबह। नहीं घबराओ मत, वो मेरी आंखों के सामने ही है। नाश्ते में? अरे कुछ भी बना दो, डोसा चलेगा, हम दोनों बस अभी आते हैं। बात करते करते अचानक मेरी नजर वो स्लाइड पर पड़ी, पर केतन वहां नहीं था। नहीं, फिर से नहीं। मैंने फोन काटा और तुरंत स्लाइड की तरफ भागा। केतन, केतन, केतन! फ्रेंड्स, क्या चेतन भी गायब हो गया? क्या है जो उनके परिवार के साथ ऐसा कर रहा है? जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि आपको अगले हफ्ते इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस कहानी का अगला पार्ट बहुत सस्पेंस भरा है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। जो सही गेस करेगा उसको एक शाउट आउट मिलेगा। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक हॉरर शॉर्ट फिल्म देखी है जो मुझे पसंद आई, सुधांशु राय की चाय पत्ती। इस कहानी में कुछ लोग एक किताब के जरिए आत्मा बुलाने की कोशिश करते हैं। ऊपर इसका लिंक दिया है। बंगाली टच वाली ये स्पूकी स्टोरी आपको पसंद आएगी, चेक इट आउट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स।